गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टंडन मोटो ब्लॉग पे। तो आज सुबह सुबह निकल पड़े हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। तो आज जाने वाले हैं हम लोग उड़ीसा के डुबलागढ़ी सी बीच पे। तो मेरे साथ जाने वाला है मेरा एक फ्रेंड, इसका नाम है बामा। ये को दिख, तो ये है बामा, बामा प्रसाद बोस। और मेरी ये नीलिमा, पूरा चकाचक रेडी। तो चलिए आगे चलते चलते बात करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए गाइस, हम राइड स्टार्ट कर दिए, बाइक लेके चलते हैं। कल रात को थोड़ा बारिश हुई थी यहाँ पे, तो पानी देख रहे हैं हम लोग रास्ते पे। तो अभी हम लोग निकले हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से मेरे फ्रेंड को लेकर, उसका घर यहीं पर है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को जाना है धूलागढ़ टोल टैक्स पे। वहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट होने का बात है 5 बजे तक। बाकी के राइडर सब वहीं पे पहुँचेंगे। और बीच में अलीपुर के पास मेरा एक फ्रेंड है जो आदि एंड टुकाई बोल के हैं, वो लोग का रास्ते में मीटअप होगा। फिर दोनों मिलकर चारों मिलकर चलेंगे धूलागढ़ टोल टैक्स तक। तो फिलहाल चलिए चला जाए, देख रहे रास्ते में थोड़ा पानी दिख रहा है, कल बारिश हुई थी, अभी भी थोड़ा धीरे धीरे पानी बरस रहा है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 4:30 तक पहुंचने का टाइम है, शायद से पहुंच पाएंगे, पता नहीं, देखते हैं क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों राइड का मज़ा लीजिए। तो अभी क्या हुआ है, मेरा जो कैमरा हेलमेट माउंट है उसका एक स्क्रू निकल गया है, इसके कारण मैं अपना मोबाइल हेलमेट में नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरे पिलियन को मैंने दे दिया है मेरा मोबाइल पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वही फिलहाल पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसको एक रास्ते में अब कहाँ से क्या ठीक करे पता नहीं, इन स्क्रू का जो नट होता है वो निकल गया, कहीं गिर गया। ठीक है चलिए दोस्तों चलते हैं आगे।
तो फ्रेंड्स अभी सीन ये हुआ कि यहाँ पे मेरे तीन फ्रेंड आने वाले थे अलीपुर पे, तो वो लोग को अभी मैं आके फ़ोन किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि उसका बाइक ख़राब हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बोला आप तुम लोग निकलो, तो हम लोग बाद में आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए। हम लोग ठीक है थोड़ा लेट करके निकल गए हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, देख पा रहे हैं दिन हो चुका है, 5 बजे तक पहुँचने का बात था दूल्हागढ़, अभी हम लोग यहीं पे 5 बज चुका है। तो ठीक है चलते हैं, देखा जाए आगे राइडर्स लोग सब रुके हुए हैं क्या, वो लोग भी भाग गए। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग अभी सेकंड ब्रिज पे उठ रहे हैं, ये हम लोग का कलकत्ता का सेकंड ब्रिज है, सेकंड हुगली रिवर। कुछ भी बोलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सुबह का वेदर, फ्रेश वेदर, फ्रेश एयर, वाओ, ये सब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ऐसा वेदर। इस टाइम मुझे ये सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है। सही है ना फ्रेंड्स, यही गाना मेरे मन पे चल रहा है अभी लॉन्ग ड्राइव पे। चल चल हवाई दा पे, अभी हम लोग सेकंड ब्रिज पार कर रहे हैं, अभी ट्रैफिक देख रहे हैं। गाइस हम लोग धूलागढ़ टोल प्लाजा पे पहुंच गए, यहाँ पे देख रहे हैं कितना बाइक सब राइडर लोग, यहाँ पे एक कार खड़ी है, फिर सब रॉयल इनफील्ड इम्फाल्स देख रहे, इतना बाइक आया हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं इस राइड पे हम लोग 3 ग्रुप के राइडर लोग जा रहे हैं, तो एक है RCI, दूसरा DTR और तीसरा हम लोगों का ग्रुप है जो है धूमकेतु। तो तीनों ग्रुप के बंदे टोटल 45 to 50 अराउंड जा रहे हैं इस राइड पे। ये RCI के हेड, यहाँ पे 3 गाड़ी भी है, एक बलेनो, 2 थार, ये अपना नीलिमा। सब लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, 5 बजे राइड स्टार्ट होने का बात था लेकिन अभी 5:30 पर हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग अब राइड स्टार्ट हो चुका है, हम लोग निकल गए हैं, अभी बहुत बंदे पहले निकल चुके हैं, कुछ पीछे हैं, लोग फुल पिकअप में चला रहे हैं हाईवे, नेशनल हाईवे से। चलिए चलते हैं, चलते चलते आगे देखते जाइए, नज़ारा देखिए, राइड का मज़ा उठाइए। কোথায় আমাদের ক্যাপ্টেন
तो फ्रेंड्स, हम लोग कोलाघाट के बाद खरबपुर के कुछ देर पहले तो हम लोग रुके थे यहाँ पे। ये देख रहे हैं सब बाइक का लाइनअप, ये पल्स, ये रॉयल इनफील्ड, ये पीछे खड़ी है KTM एडवेंचर 390। पल्सर 220। पल्स रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक, ये अपनी नीलिमा F250 पल्सर ऑफ रोड, ये एक और क्लासिक 350, पीछे रॉयल इनफील्ड हिमालय। तो फ्रेंड्स, हम लोग खरगपुर पे होटल न्यू अमरेंड पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ देख रहे हैं बाइक का लाइनअप, जिप्सर, इम्पल्स, RS, ड्यू, रॉयल इनफील्ड, F250, ड्यूक 200, पल्सर 220। बाइक का लाइनअप देख रहे हैं, एक कार। चलिए अब अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अंदर देख पा रहे हैं सब लोग, यहाँ पे एक बाहर भी बैठने का जगह है। यहाँ भी अब खाना पीना खा सकते हैं, चाय नाश्ता खा सकते हैं। ये देख रहे हैं हम लोग, सब राइडर लोग रेस्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके अंदर भी बैठने का जगह है, एयर कंडीशन है। चलिए अंदर दिखाते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का धूमकेतु ग्रुप का एडमिन रिम्पा। ये देख रहे हैं अंदर का नज़ारा, बहुत लोग अंदर भी बैठ के खाना पीना खा रहे हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। ये हम लोग का लंच आ गया है, पूरी सब्जी और एक एक मिठाई। चलिए, बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, खाने के बाद फिर बात करते हैं। बाय। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी भी 42 किलोमीटर पहुँचे। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए अपना रिसोर्ट पे, हम लोग पहुँच गए हैं। ये हम लोग का रिसोर्ट कैंप विथ केयर, ये है आपका एंट्री। तो यहाँ देख सक रहे हैं आप, यहाँ पे राइट साइड में लाइन से लाइन पूरा कॉटेज है, 1, 2, 3, 4 कॉटेज। पूरा हम लोगों का स्पेस यहाँ पे, सब बाइक पार्किंग किया हुआ है। चलिए, आपको यहाँ पे टेंट भी है, आपको टेंट दिखाते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे सब टेंट है, ये टेंटों के लिए यहाँ पे कॉमन बाथरूम, वॉशरूम। ये देख रहे हैं टेंट, इस साइड से टेंट है, आगे भी कॉटेज है। ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया। चलिए, अब हम दिखाते हैं अपना रूम, अपना कॉटेज में हम लोग रूम लिए। ये है अपना कॉटेज, देख रहे हैं, ये अपना बेड। यहाँ पे दो फैन दिया गया, एक सीलिंग, एक स्टैंड फैन।
यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, ये हो गया बाथरूम, सही है, छोटा छोटा मोटा मत सही है। तो अब चलिए गाइस, अब दिखाते हैं हम लोग का बाहर का नज़ारा। ये हम लोग बाहर का ये रोड, ये रास्ता चला जा रहा है आपका सी बीच के साइड। यहाँ पे देख रहे हैं आई लव दुबला गरी लिखा है, यहाँ पे सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत ही मस्त नज़ारा है। कोई गाड़ी लेके आया, कोई बाइक लेके। ये देखिए आपका सी बीच, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। अभी हम लोग नहाने का मन कर रहा है, तो नहाएंगे थोड़े देर बाद। ठीक है, आप लोगों ने खा देते हैं बहुत कम होता है। यहाँ देख पा रहे हैं दूर दो तीन बंदे आ रहे हैं, यहाँ लंबे लंबे नजारा ही कुछ चल रहा है वहाँ। तो आज लंच में है प्रॉन, एक क्या फीस है पता नहीं, राइस दाल आलू का सब्जी एक्सेट्रा। तो हमारे साथ दो फ्रेंड हैं, ये है टुकाई, ये थोड़ा लेट से आज ज्वाइन हुए थे हमारे राइड पे, और इसको तो इंट्रोड्यूस कराए थे मामा प्रसाद। चलिए बहुत लेट हो गया हम लोग का खाने में, लंच के बाद बात करते हैं। हाँ, तो खावार क्वालिटी का मन পেট ভরার মত না, খুব ভালো না, খুব খারাপ। सो गाइस, हमारे जो रिसोर्ट में है यूजर का नाइट व्यू देखिए, जस्ट ऑसम लाइटिंग देखिए। Thank you.
গঞ্জে ধূমকেতুর আজকে দিনে নতুন লোগো লঞ্চ হবে। সো আমরা পুরনো লঞ্চ পুরনো লোগোটা আমরা দেখেছি সবাই, সো আমরা নতুন লোগোটাকেও দেখিনি। তো সবার আগে আগে লোগোটা আমরা লঞ্চ করি, তারপরে আমরা কেক কাটিং করব, দেন তারপরে আমরা মেমেন্টোতে চলে যাব। ওকে, আচ্ছা লোগোটা, আচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট, এইটা কেমন ভাবে লোগো, যেরকম ভাবে দিলে হবে না, লোগোটা গোল করে গোড়াও। আচ্ছা আমাদের একটু সবাই মিলে জোরে হাত তালি, আমাদের ধূমকেতুর নতুন লোগো, আমাদের দ্বীপটা আমরা সবাই চিনি, গিয়ারাতে দ্বীপটা আমাদের, তো সবাই মিলে একটু হাত তালি দাও জোরে, ধূমকেতুর নতুন লোগো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আচ্ছা ওখান থেকে আরেকটা জায়গা আছে, ওখান থেকে ওটা তোলো। আচ্ছা ওকে, চলো এবারে আমাদের কেক কাটিং সেরেমনি, কেক আসো এই হয়ে দীপদা তুমি কাটো, আসো না না ঠিক আছে, কে কাটবে, কে কাটবে, বাচ্চা 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 আরে বাচ্চা ঘরে বাচ্চা এখানে চলে, আর আর সিআই অ্যান্ড ধূমকেতু আজ ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি, তার কেক কাটিং সবাই পেছনে একটু, আমরা মেমেন্টোটা দিয়ে মানে মেমেন্টোটা ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে আমরা শুরু করি। প্রথমে দেবাদা, থ্যাংকস আ লট ফর সাপোর্টিং আস ইন মাসেস, ঠিক আছে, তোমাকে ডেকে নেবো তোমার বিয়ের সাথে। Second will be Darjeeling Enfielders Abhinaya. Abhinaya? Abhinaya? Darjeeling Enfielders. আমি করতে পারবো, আমি চলে যাবো, আমি করবো।
ये भी ले लो, हम भी आ जाते हैं, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दे। तो फ्रेंड्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम लोग बैठे हैं थोड़ा अड्डा मारने। देखिए यहाँ सब लोग फ्रेंड्स लोग गाना गा रहे हैं कैसे। চলছে না সোজা পথে, দেখো আজও হাসি কোন মতে, বেঁচে গেছি বলি হতে হতে, হয়তো মরে গেলে হতো বেশি ভালো, কেন এত সুখ ফেলে গেল জীবনের সেরা স্মৃতিগুলো। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं रात का डिनर करने। सबका यहाँ पे खाना हो चुका है, देखिए टेबल पूरा खा लिए, सब लोग चले गए खा कर। हम लोग आए हैं खाने रात को लेट से। यहाँ पे खाने में दिया गया रोटी, चिकन, दाल, आलू का सब्जी बस। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। तो कल रात को हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत लेट नाइट तक जागे रहे, बातचीत किए, अड्डा मारे, गाना गाए। तो सोते सोते बहुत रात हो गया था, अब हम लोग को सुबह उठने में भी लेट हो गया। तो अभी हम लोग उठ कर अभी निकल चुके हैं घर के लिए। तो कुछ बाइक पहले निकल चुकी है, कुछ बाइक लेट से निकलेगी। अभी हम लोग चार बाइक ऑलरेडी जा रहे हैं। तो हम लोग के साथ एक और राइडर है जो कि उड़ीसा के ही हैं। वो हम लोग के साथ अभी फ़िलहाल 4-5 किलोमीटर तक साथ रहेंगे, फिर वो अलग रास्ते चले जाएंगे और हम लोग अलग। तो हम लोग के साथ हैं ये सानू जो चला रहे हैं ड्यूक 200, उसके पीछे बैठा हुआ है टुकाई। नेक्स्ट आज जो बाइक आ रहा है वो है RS 200 जो चला रहा है आदित्य, उसके पीछे धूमकेतु के एडमिन रिम्पा बैठी हुई है। और ये है हमारे चंदन भाई जो चला रहे हैं स्ट्रीट हार्ले डेविडसन। तो गाइस, जिस कैंप पे हम लोग ठहरे थे उस कैंप का अगर कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो हम भेज देंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस, चलते हैं कोलकाता की तरफ। चलते चलते राइड का मज़ा लीजिए, देखते रहिए वीडियो।